इस वीडियो में हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम कैसे पता करेंगे कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो कौन सी होती है, जिसमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि किसी ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के रिस्पेक्ट में ए कॉमा ए पेयर रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4 अप टू 10। हमें चेक करना है कि गिवन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, और रिलेशन में क्या दिया हुआ है कि आर क्या, जिसमें ए कॉमा बी का पेयर है और ए जो है वो डिवाइड करती है बी को। यानी रिलेशन में जितने भी पेयर्स हैं उसमें ए बाय बी यानी ए को बी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज या तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंग आर में कौन से पेयर्स होने चाहिए, सारे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन बिलोंग्स टू ए हमारे पास ए कॉमा ए पेयर होना चाहिए रिलेशन में। तो रिलेशन में देखो अगर मैं 1 कॉमा लिखती हूँ, मैं सारे पेयर लिख लेती हूँ 1, 2, 2, 3, 3 अप टू 10। मुझे ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकेंड एलिमेंट है बी, तो क्या 1, 1 को डिवाइड कर सकता है, यस। 2, 2 को डिवाइड कर सकता है, यस। 3, 3 को डिवाइड कर सकता है, यस। यानी सारे एलिमेंट्स खुद को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारी, ये सारे पेयर्स जो हैं इस रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब है कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो देयरफोर आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सेट में ये है और आर में ये सेट गिवन है। ठीक है, तो 1, 1 है, हमें क्या चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से 10 इनका 1, 1 का पेयर, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस टाइप के सारे पेयर्स अवेलेबल होने चाहिए अप टू 10। तो इसमें देखो 1, 1 तो दिख गया, 2, 2 भी दिख गया, 3, 3 नहीं है, 4, 4 है, 5, 5 नहीं है, 6, 6 नहीं है, 7, 7 नहीं है, 8, 8 नहीं है, 9, 9 नहीं है, 10, 10 नहीं है। यानी ये पेयर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है जो कि होने चाहिए थे। अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये सारे 3, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 इन सबके पेयर्स भी अवेलेबल होने चाहिए थे जो कि नहीं है। तो सिंस दीज पेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन गिवन रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, जेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो आपको एग्जाम में तो जेड लिखा हुआ होगा, जेड का मतलब क्या होता है, 0, ±1, ±2, up to ±∞। ठीक है, तो हमें एक सेट दिया हुआ है। अब देखो ऐसे वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, आपको बोल दिया है कि ए में सारे इंटीजर्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स का सेट ये होता है। ठीक है, और आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी है एंड सच दैट 3 डिवाइड्स a माइनस b। तो ये कह रहे हैं कि रिलेशन में वो सारे पेयर्स होंगे जिसमें a माइनस b करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहती है कि r में a कॉमा a पेयर्स होंगे। ठीक है, तो अगर r में सारे a कॉमा a का पेयर रखते हैं और मैं अगर a माइनस a करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 मिल जाएगा, तो इसका मतलब है 0 तो 3 से डिवाइड होता है, यस। कितने भी पेयर्स हो, 1, 1 का पेयर बनाओ, 2, 2 का पेयर बनाओ, 3, 3 का पेयर बनाओ, -1, 1 का पेयर बनाओ। ठीक है, इनको आपस में जब आप माइनस करोगे तो वैल्यू 0 ही आनी है। तो 0 आनी है तो 0 हमेशा क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। आंसर हमें क्या मिलता है, 0। तो इसीलिए ये रिलेशन क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज a माइनस a विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 3।